तो अभी शौकत भी आए हैं बॉलिंग करने के लिए, कश्मीरी कल खराब शौकत वर्सेस केएल राहुल। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट साहिल स्टार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, घर पे सब मस्त होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं आग जलाने के लिए। आप लोग भी देख लो आग क्यों जला रहे हैं, क्योंकि आज जबरदस्त आग जलेगी। कुछ करना है हमें, आप लोग भी देखो कि क्या करना है, बस थोड़ा सा ना कल के व्लॉग के रिलेटेड है। तो आज आप लोग थोड़ा सपोर्ट करो, प्यार दो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। सुबह सुबह यहाँ पर तैयारी हो रही है अभी आग जलाने की। ये हमारे कुछ हथियार आज की आग जलाने के लिए। ये पेट्रोल नहीं है, तारपिन है, मुझे नहीं पता इससे आग लगेगी या नहीं। और ये है अंडे की ट्राई, ठुल ट्राई। फिलहाल आग तो जल चुकी है, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि रहेगी कितने टाइम तक, ये जलेगी भी अच्छे से या नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमने तारपिन से इसको जलाया, क्या पता उसका ही फ्लेम है और जले ही ना अच्छे से। सो आई होप कि अच्छे से जल जाए। धीरे धीरे यहाँ पर आग का खात्मा होते हुए, हमारी कोशिश बिल्कुल ही नाकाम। प्लीज़ यार जल जाओ प्लीज़। और अभी हमने छोटी छोटी सी लकड़ियाँ लाई हैं, पुराने ज़माने की टेक्निक हमने ये लाया है जलाने के लिए, तो इसकी वजह से हम लोग आग लगाएंगे। तो फाइनली आधे घंटे के बाद हम लोग कामयाब हो चुके हैं और मेरे हाथों की हालत ख़राब और मेरी आंखों में धुआं ही धुआं, बट हम लोगों ने आग लगा ही ली। आग मैंने क्यों लगाई, आग इसलिए लगाई क्योंकि जो नलके थे ना वो फ्रोज़न, मतलब फ्रोज़न पाइप्स बन चुकी थी, जम गया था पानी उसमें। तो सीन ऐसा हुआ था, कल मैंने आपको बोला था शाम को कि टैंकी में ना ऊपर लीकेज था थोड़ा सा, उसमें जो उसका वो होता है क्या बोलते हैं, जो भी चाबी होती है उसकी वो घुमाने वाली, उसमें लीक था। तो वो शाम को ठीक करवाया, उसके बाद ना पूरी टैंकी खाली करनी पड़ी। और जब मैं पानी चढ़ाने के लिए मोटर ऑन किया तो पाइप्स जम गई थी, पानी था उनमें। तो वैसे तो हर जगह पे फोम लगाया हुआ है, बस एक जगह पे ना वो जम गया था, उसमें गर्म पानी डाला, कुछ हो ही नहीं रहा था। आग लगा ली तो फिलहाल पावर ही नहीं है, अभी देखते हैं क्या करेंगे। फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। अभी 2:45 टाइम हो चुका, 2:35 टाइम हो चुका है और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ बाहर थोड़ा मैच देखने, उस वाले ग्राउंड में जिसमें हम परसों भी गए थे, क्योंकि वहाँ पे ना बैट लगता है 10,000-20,000। तो जाके थोड़ा सा मैच देखेंगे और मैंने प्लम्बर को फिर से कॉल किया, वो शाम को आएगा नज़र देने के लिए। तो फिलहाल अभी जाते हैं हम लोग मैच देखने, देखते हैं अगर मैच हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वापस ही आ जाएंगे जल्दी। मैंने इवन जनरेटर भी ट्राई किया था, उससे भी पानी चढ़ाने के लिए, मैंने उससे ज़्यादा पावर आएगा, कुछ हुआ ही नहीं। तो देखते हैं अभी क्या होगा। एक और बंदा अभी आया था, वो भी फेल। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं मैच देखने के लिए। मैंने सोचा था जाऊंगा बट वापस आ गया मैं, क्योंकि वो आया था देखने के लिए लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। तो जहाँ पे मैंने सुबह आग जलाई थी वहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ऊपर भी बिल्कुल ठीक है, बस जो दीवार में पाइप है ना उसमें प्रॉब्लम है, कुछ वहाँ पे शायद जम गया है। तो अभी देखते हैं क्या करेंगे। बोला था उनने कुछ पाइप आती, वो हीटिंग के लिए आता है कुछ, वो देखेंगे किसी के पास अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो। तो फिलहाल अभी मैच खेलने नहीं, मैच देखने जाते हैं। 3:40 या 3:45 टाइम हो चुका है, तो अभी जाते देखते एक इनिंग मुझे लगता है ख़त्म होगी होगी अगर मैच हुआ तो, अगर नहीं तो चलो। फिलहाल बिल्कुल ही अच्छे टाइम पे हम आ गए, मेरा फ्रेंड जो है रियाज जिसे परसों मिलाया था उसकी बैटिंग चल रही है और अपने ही मोहल्ले के अपोजिट खेल रहा है। देखो भाई पहली बॉल शायद है, शॉट शॉट। एक ओवर में 27 रन रियाज ने उठाए, इसको हालत ख़राब की रबाड़ा की आज शॉट। तो अभी शौकत भी आए हैं बॉलिंग करने के लिए, कश्मीरी कल खराब शौकत वर्सेस केएल राहुल, केएल रियाज की स्ट्राइक।
तो दूसरा ओवर यहाँ पे शौकत भाई का और केएल राहुल फिर से अपोजिट। اگر بہ نیے بال بالنگ کرہا بہ نمہ سری یہ ریاض نمہان بہ گڈ شاٹ اچھی بیا تو گائز میں آج ساہل سٹار کے ساتھ آیا ہوں گراؤنڈ میں تو گائز آپ دیکھ سکتے ہو یہاں کا لک یہاں سے بیٹنگ چل رہی ہے دس رن چاہیے ان کو جیتنے کے لیے تو گائز دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا تب تک کے لیے بائے میچ ختم ہونے کے بعد میں گھر آ گیا باہر کا سسٹم تو ادھر ہی رہ گیا مطلب جو پانی والا سین تھا تو باہر والے نل کو پانی ہے مطلب مین نل سے پانی آ رہا ہے بس وہ گیزر ویزر کا پانی جو ہے اس کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہے تو وہ سب فی الحال ہم سائڈ میں رکھتے ہیں وہ میں انشاءاللہ کل ٹھیک کروا دوں گا اور جو آج کا میچ ہوا ہے بھائی کیا میچ ہوا ہے کیا تگڑا میچ تھا نا مطلب ریاض اپنے ہی محلے کے اپوزٹ تھا اور مطلب کچھ ورڈس ہی نہیں ہے آج اس نے بیٹنگ بہت تگڑی کی ہے لیکن شوکت بھائی کی بالنگ بھی بہت ہی زیادہ خطرناک تھی سیریسلی بہت اچھی بالنگ کی ان نے دو اوور میں ان نے مطلب میرے سامنے دو اوور کی ان میں دی ہوں گے 10-12 رن لیکن نہیں 12 پتہ نہیں ایسے مطلب باؤنڈری تو میں نے ایک گئی شاید وہ بھی ریاض نے جو پیچھے سے شاٹ مارا باقی بہت ہی اچھی بالنگ کی ان نے اور باقی مجھے کچھ خاص نہیں لگا لیکن ریاض نے بہت تگڑی بیٹنگ کی ہے اور میچ تو جیت ہی گئے زیادہ ٹارگیٹ نہیں تھا تو فی الحال اس لوگ کو ہم لوگ اتنا ہی رکھتے ہیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا لائک شیئر سبسکرائب کر لینا سبسکرائب کرنا یاد کر کے اور انسٹاگرام پہ جا کے فالو کر لینا نیچے ڈسکرپشن میں لنک رہے گی تو ملتے ہیں کل دوسرے بلاگ میں تب تک کے لیے خوش رہو آباد رہو اور مجھے نا نیچے کمنٹس میں بتا دیا کرو کہ میں ویڈیوز کس پہ بناؤں تھوڑا اچھا لگتا ہے نا موٹیویٹ ہوتے ہیں اگر آپ لوگ مطلب 10 لوگ کچھ 10 کمنٹ کریں گے الگ الگ ویڈیوز تو مے بی ان 10 میں سے 5-6 اچھے ہی ہوں گے جو میں بنا پاؤں گا تو بائی ٹیک کیئر اللہ حافظ لو اینڈ پیس پیس آؤٹ